स्टूडेंट्स, आज हम क्लास एट्थ की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इसके 1 से 14 क्वेश्चन हम पार्ट ए 1 एंड पार्ट 2 में कर चुके हैं। आज पार्ट 3 है, इसमें हम 15 एंड 16 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन 15 देखते हैं। मेरे पास 300 रुपये, टोटल कितने हैं 300 रुपये, मूल्य के 1 रुपये के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं। तीन टाइप के सिक्के हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के। उसके बाद कहता है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। किसके कंपैरिजन में बताया? 5 रुपए वाले सिक्के। तो क्या मानेंगे हम सिक्कों की कुल संख्या, और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 160। तो सिक्कों की कुल संख्या बराबर 160। अब किसके कंपैरिजन में? 5 रुपए वाले के कंपैरिजन में। तो माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x मान लेते हैं। तो 5 रुपए के x हैं, तो 2 रुपए के कितने हैं? 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से दुगने हैं। यानी कि 5 जो रुपए के हैं, 5 रुपए के कितने हैं x, इससे तिगुने हैं, यानी कि 3 गुना। तो 3 से इसको गुणा कर देंगे, 3 एक्स। तो 2 रुपए के आगे हमारे 3x, 5 रुपए के हमने एक्स माने थे और 2 रुपए के तिगने हैं तो 3x। उसके बाद बात आती है 1 रुपए की। 1 रुपए वाले का कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? हमें दिया हुआ है सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो हमें पता लग गया 5 रुपए के एक्स हैं, 2 के 3x हैं, तो 1 रुपए के कितने होंगे? टोटल 160 हैं। 160 में से अगर इन दोनों को घटा देंगे तो 1 रुपए के आ जाएंगे। तो x और 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? 1। तो 1x और 3x क्या हो गए? 4x। तो 4x अगर घटा देंगे तो बाकी के कितने बचेंगे? 1 रुपए वाले सिक्के। तो अब क्या करते हैं, प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ है? ये तो हमें सिक्कों की संख्या पता लग गई। अब उसने दिया 300 रुपये हैं, तो इसके भी हम देखेंगे 5 रुपये के कितने रुपये हैं। इसको 5 को x से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 5x जमा, टोटल 300 रुपये है ना, तो तीनों को क्या करेंगे? प्लस। अब 5 रुपये के कितने हैं, कितने मूल्य के? तो 5 गुना x हो जाएगा, और 2 के 2 गुना 3, 2 तिया 6x हो जाएगा, और 1 रुपए के 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा 160 माइनस 4x। ये हमारे पास रुपए हो गए। 5 रुपए के कितने रुपए हो गए? 5x, 2 रुपए के 6x और 1 रुपए के 160 माइनस 4x। अब टोटल कितने हैं रुपए? 300। तो बराबर है 300 रुपए। तो दोबारा से एक बार बता देती हूँ, हमें सिक्कों की कुल संख्या क्या दी हुई है? 160। तो हमने 160 लिख दी। अब उसने क्या दिया हुआ है? 1 रुपए का कुछ नहीं बताया, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तुलना की हुई है। किसकी? 2 रुपए वालों की। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या हुआ है? x मान लेंगे। तो x मानेंगे तो 2 रुपए के कितने आ जाएंगे? 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या है? तिगुनी है। तो तिगुनी है 3 गुना, तो ये 3x हो जाएगी। 1 रुपए वालों की कितनी होगी? टोटल तो 3 ही सिक्के टाइप के सिक्के हैं, तो और कितने सिक्के हैं टोटल? 160। तो 160 में से इन दोनों को घटा देंगे तो क्या आएगा? 1 रुपए वाले सिक्के आ जाएंगे। तो 3x और x क्या है? 4x। तो 160 में से 4x घटाएंगे तो क्या आएगा? अपने तो क्या 1 रुपए वाले सिक्के की संख्या क्या होगी? 160 माइनस 4x, x और 3x 4x। तो 160 में से 4x घटा देंगे तो ये हमारी आ गई सिक्कों की संख्या, 5 की और 2 की और 1 की। अब 5 रुपए के रुपए कितने हैं टोटल? 5 रुपए के अगर टोटल रुपए देखें तो 5 गुना x होएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? रुपए। 2 वाले सिक्के 3x है तो इनको गुना करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? रुपए। 1 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे? रुपए। अब टोटल रुपए कितने हैं? 300। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो बराबर है क्या आ जाएगा? 300। तो हमने इसको
ये क्या है, 5 गुना x 5x, 2 गुना 3x 6x, और 1 का तो यही रहेगा 160 माइनस 4x बराबर है 300 रुपये। अब इसको हल कर देंगे तो ये क्या आएगा, 6 और 5 11, 11 में से 4 गए 7, x बराबर है 300, और ये 160 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया 7x बराबर है 300 में से 160 गए 140, तो x बराबर है 140 बटे में 7, इसको भाग करेंगे तो 7 दुनी ये आ गया 20, तो x का मान क्या आ गया 20। तो 5 रुपये के सिक्के कितने हो गए 20, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारी कितनी आई 20, सिक्कों की संख्या बराबर है 20। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी 3x है, तो 3x 3 को 20 से गुना करेंगे तो 3 गुना 20 हो जाएगा, कितने आए 60, तो ये हमारा 2 के 60 और 5 के 20। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी, हमारे क्या है 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4 गुना में 20, तो ये आ जाएगा 160 माइनस 80, तो ये कितना आ गया 80। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 80, तो ये 5 रुपये के हो गए 20 सिक्के, 2 रुपये के 60, और 1 रुपये के हमारे हो गए 80। अब इनको टोटल करें तो 80 और 60 140 और 20 160, और इसने यही कहा था 160 सिक्के है टोटल, तो ये हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 16 क्वेश्चन है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये, जो जीतेगा उसको 100 रुपये, और विजेता को छोड़कर यानी कि जो प्रतिभागी है प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे, यानी कि जीतने वाले को 100 रुपये और जिसने सिर्फ भाग लिया जीता नहीं वो उसको 25 रुपये। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी, टोटल कितनी 3000 रुपये उन्होंने दिए, और कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करो, हमने क्या ज्ञात करना है विजेताओं की संख्या, तो माना विजेताओं की संख्या x, ये हमने निकालनी है तो विजेताओं की संख्या x मान ली, तो प्रतिभागियों की संख्या जिसे पुरस्कार नहीं मिला वो कितने होंगे, टोटल कितने हैं 63 प्रतिभागी हैं, तो विजेताओं की क्या मान ली x, तो ये क्या हो जाएंगे 63 माइनस x। अब टोटल रुपए कितने दिए हैं 3000, तो क्या हो जाएगा इनको विजेताओं को क्या दिया 100 रुपये, तो क्या हो जाएगा 100 गुना x 100x, और इनको कितने दिए 25 रुपये, तो इसको क्या करेंगे 25 से गुना कर देंगे 63 माइनस x, क्योंकि यही हमने, क्योंकि जो विजेता है उनको 100 रुपये मिले, तो x संख्या है तो 100 रुपये मिले हर एक को, तो 100 गुना x हो जाएंगे, और इनको 25 रुपये मिले तो इसको 25 से गुना कर देंगे, तो टोटल कितने रुपये दिए 3000 बराबर है 3000। अब इसको हल कर दो, 100x प्लस 25 को 63 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 25 × 3 = 75, 7 25 = 150 और 7 = 157, माइनस 25x बराबर है 3000। अब इसको 100x है बराबर है 3000, और 1575 में से 25 गए 1550, तो ये आ जाएगा 100x बराबर है 3000 में से 1550 जाएंगे, तो क्या बचेगा 1400
पचास, ओ सॉरी ये 25x था, x नहीं लिखा, ये हमने 25x था। तो ये हो गया हमारा 3000 में से 1575 ही जाएंगे, ये 1575, ये x रह गया, x नहीं लिखने से कितनी गलती होगी। अब ये 100x है और इसमें से माइनस हो गए 25x, तो ये हमारे बचेंगे 75x। हमारे इस 100x में से 25x गए 75x, और 3000 में से 1575 गए, तो ये हमारा 75 है, 75x। तो ये 3000 में से 1575 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 1425 बच जाएंगे। तो x बराबर है क्या आ जाएगा, 1425 बटे में 75। तो इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचे 5 पंजे 25। इसको काटोगे 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 पंजे 25, और ये फिर 5 पे काट दो, 5 3 15, 5 पंजे 25, 3 बचे 5 7 35, फिर 3 पे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचे 3 निम 27। तो x का मान हमारा क्या आया, 19। और हमें निकालना क्या था, विजेताओं की संख्या, तो विजेताओं की संख्या क्या आई, 19। ये हमारा आंसर हुआ और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये हर क्वेश्चन को आपने साथ साथ करना है, तभी अच्छे से समझ आएगा, सिर्फ सुनने से समझ नहीं आएगा, इसलिए आपने साथ के साथ नोट डाउन ज़रूर करना है। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो कर भला हो भला, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करने चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।